अग्रवाल की ओला इलेक्ट्रिक कंपनी को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सीसीपीए ने खराब सर्विस की हजारों शिकायतों पर एक्शन लेते हुए कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी ने सीसीपीए से नोटिस मिलने की सूचना स्टॉक एक्सचेंजेस को भी दी है। संवाददाता असीम मनचंदा ने सर्विस सेंटर के पास जायजा लिया। ओला इलेक्ट्रिक की खराब गाड़ियों की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को 10,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। इसमें से 3,000 से ज्यादा शिकायतें इसमें थी कि कंपनी उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको सर्विसेज नहीं दे पा रही है, जबकि 1900 शिकायतें ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि कंपनी उनको डिलीवरी देने के अंदर देरी कर रही है। 1500 शिकायतें ऐसी थी जिसमें ये कहा गया था कि कंपनी ने जैसी सर्विसेज देने का वायदा किया था वैसी सर्विस नहीं दी गई। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि मैं इस वक्त ओला के एक सर्विस सेंटर के बाहर खड़ा हूं और यहां पर गाड़ियों की लगातार कतारें लगी हुई हैं। बहुत सारी गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। शायद हो सकता है कि ये सर्विसेबल ना हो, इनके ऊपर धूल मिट्टी जो है जम गई है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि कंपनी को हर महीने 80,000 के आसपास शिकायतें मिल रही हैं। इसमें से रोजाना कंपनी को 7,000 से 8,000 शिकायतें कंपनी को रोजाना उनके सर्विस सेंटर के ऊपर आ रही हैं। तो इसको देखते हुए जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी हरकत में आ गई है। उसने कंपनी को 3 अक्टूबर को एक नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर कंपनी को 15 अक्टूबर तक इसका जवाब देने के लिए कहा है। लेकिन जिस तरह से कंपनी के खिलाफ लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं, कंपनी को अपनी सर्विसेज सुधारने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाना होगा। असीम मनचंदा, सीएनबीसी आवाज, दिल्ली। और अब देखिए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद चुके कस्टमर इस वक्त क्या कह रहे हैं। स्कूटर मेरे को यूज करते हुए करीब 2 साल होने जा रहे हैं। स्कूटर प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनकी जो सर्विस है वो इतनी थर्ड क्लास है कि आप इसका मतलब किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आते हो, आपको वर्कशॉप में बंदे मिलते हैं लेकिन काम करते नहीं मिलते। आप चीजें खड़ी कर रहे हो, आपको किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट कहीं की नहीं मिल रही। बहुत दिक्कत आती है स्कूटर में, कभी कुछ मोटर में, कभी बैटरी में। अब मिसिंग मार रहा है मेरा स्कूटर। मेरा दूसरा स्कूटर होता तो मैं उसको कहीं पे भी दिखा देता लोकल वर्कशॉप पर, बट यहाँ पर एक तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा। वो कह रहा है अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो परेशानी फाइनली कस्टमर को ही उठानी पड़ रही है।